नमस्कार, मैं हूँ रामजी मिश्रा और आप मुझे देख पा रहे हैं ध्वनि आलोक गुरुकुल की कक्षा में। पीछे क्वेश्चन आंसर Q&A का सेशन चल रहा है और मैंने उन सवालों को ऑप्ट किया है जिसके लिए काफी लोग कमेंट कर रहे हैं, तारीफें कर रहे हैं कि आपने बिल्कुल सही जज किया है। तो अगर कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आपके दिमाग में भी उठती है जिससे आप परेशान हैं या चाहते हैं कि मैं उनका जवाब आपको दूं, तो आप प्लीज उन वीडियोस में कमेंट सेक्शन में जाकर अपने सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा स्क्रॉल करता हुआ व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप मुझे पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, मुझे जैसे ही वक्त मिलेगा मैं उसका जवाब श्योर दूंगा। और अगर आप म्यूजिक को बहुत तरीके से डेप्थफुली सीखना चाहते हैं तो अभी पैसे ना खर्च करें। अगर आप मुझसे सीखना चाहते हैं तो भी थोड़ा वक्त रुकें, क्योंकि अभी मैं जिस संकल्प में हूं कि एटलीस्ट कम से कम आपका समय और आपके पैसे दोनों चीजें सेव हो सके और आप फ्रिक्वेंटली लर्न कर सके बहुत सारी चीजें, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट क्लियर होने में ही बहुतों के 6 महीने साल भर लग जाते हैं और फिर भी समझ नहीं आती, आप छोड़ देते हैं म्यूजिक सीखना। टीचर जब आप छोड़ देते हैं तो टीचर भी छोड़ देते हैं, तो उस दौरान ना ये क्लासेस जो हैं वो वेस्ट हो जाते हैं। उसके दौरान क्लासेस वेस्ट होती हैं, टाइम वेस्ट होता है, मनी वेस्ट होता है, सब कुछ बर्बाद होता है। ऐसा ना हो इसके लिए ही मैं ये वीडियोस जो अब तक पहुंचा रहा हूं उसके पीछे रीजन यही है। तो चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास जिसमें हम आप तक वोकल के बहुत कुछ उम्दा टिप्स, बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारियां पहुंचाने वाले हैं। कुछ छोटी सी प्रॉब्लम ऐसी आई है, कुछ लोगों ने शेयर किया है कि सर क्लास के दौरान मटेरियल जो आप प्रोवाइड कराते हैं, कंटेंट जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन आप बातें करते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है। मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन एक चीज मैं जरूर शेयर करना चाहूंगा कि बहुत जरूरी है कम्युनिकेशन को डेवलप करने के लिए थोड़ी सी बातें करना। एक तो हम आपके सामने किसी कैनवस या कहें कि स्क्रीन के माध्यम से होते हैं, तो आप हमसे सिर्फ वीडियोस के जरिए कैसे जुड़ पाएंगे? हमारी बातें आपके जो सेंस हैं, आपकी प्रॉब्लम्स हैं, आपकी क्वेरीज हैं और जो मैं नॉलेज आप तक पहुंचाना चाहता हूं उसे भावनाओं से जोड़कर नहीं पहुंचाऊंगा, तो आप उस नॉलेज की न तो कदर कर पाएंगे न प्रैक्टिस कर पाएंगे, वो नॉलेज आप तक 100% नहीं पहुंच पाएगी। इसके लिए थोड़ी सी बातें हो जाती हैं जिसमें आज बहुत ज्यादा हो गई। तो चलिए शुरू करते हैं वोकल की क्लास। पिछली कक्षाओं में मैंने बताया था कि कैसे थाट जो है वो 10 थाट अलग अलग स्वरों के हिसाब से बना करके, वो 10 थाट एक दूसरे से भिन्न है और स्वर अलंकार कितने इंपॉर्टेंट है गले के और बजायकी के लिए, मतलब गायन और बजायन दोनों में ये स्वर अलंकार बहुत इफेक्टिव है, बल्कि सबसे ज्यादा इफेक्टिव है। और उन स्वर अलंकारों को 10 थाटों में कैसे अरेंज करते हैं, कैसे यूज करते हैं, पीछे बिलावल और कल्याण हमने आपको उसके वीडियोस प्रोवाइड किए हैं, एक बार उन दोनों थाटों का एक मिक्सचर बना करके इस वीडियो में करते हैं। उसके बाद जो चीजें छूटी होंगी वो भी वीडियो अपलोड की जाएगी और उसके बाद फिर हम बाकी के थाट जो है बिलावल कल्याण के अलावा खमाज, मारवा, काफी, पूर्वी, आसावरी, तोड़ी, भैरव, भैरवी, ये बाकी के 8 थाट भी आप तक पहुंचाए जाएंगे सिक्वेंस वाइज। तो चलिए शुरू करते हैं, आज जो है मिक्स करते हैं दोनों थाटों को, कैसे इस पे प्रैक्टिस किया जाए, आइए शुरू करते हैं। सरगम लगाएंगे, मग रे
स्वर अलंकार को हम अलाप में अगर करें, स्वर को दो बार अगर हम पुकारते हैं, बोलते हैं, तो सा सा रे रे इस तरह से होगा। मैं थोड़ा सा गाकर सुनाऊंगा, क्योंकि ये सारी चीजें अगर रिवाइज करूंगा तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी, फिर आपको मजा नहीं आएगा। तो सा सा रे रे गा मा पा पा धा धा नी नी सा 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 नी नी धा धा पा पा अलाप में इसके बाद इन्हीं स्वरों को हम तीन तीन बार यूज करेंगे। ध्यान आपको ये देना है कि ये सारे जो हम स्वर अलंकार कर रहे हैं उसमें स्पीड का खास ख्याल रखना है। जैसे हमने किया सा रे गा मा, अब डबल करेंगे तो रिदम यही चलेगी। कैसे? सा सा रे रे गा गा मा मा एंड सो ऑन, इसी तरह आगे भी। अब अगर तीन स्वर एक साथ लगाएंगे तो एक क्लैप में हमें तीन स्वर आने चाहिए। सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 मा 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 गा 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 रे 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 सा 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 हा 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 इसका मतलब एक क्लैप में चार स्वर आएंगे। कैसे? सा 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 रे 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 गा 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 मा 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 पा 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 धा 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 नी 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 सा 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 नी 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 धा 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 पा 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 गा 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 रे 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 सा 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 मा 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 मा। जो है मेरी सांस टूट गई थी इसलिए मैं बोल नहीं पाया, लेकिन आपने जरूर बोलना है, भले वीडियो को रिवाइंड करना पड़े, क्योंकि ये क्लास बहुत ज्यादा एडिट नहीं होती, बिल्कुल मैं पढ़ा या सिखा रहा होता हूं और कैमरा लगा होता है, ताकि ये क्लास भी बिल्कुल ओरिजिनल, एडिट करने के बाद उसमें थोड़ी सी ना मतलब डुप्लीकेसी आ जाती है। तो मैं चाहता हूं कि मैं जितना जानता हूं, जो भी जानता हूं, वो बिल्कुल करेक्ट वे में बिना ज्यादा उसमें ताम झाम के आप तक पहुंचाया जा सके। चलिए, चार जो था यानी एक दो तीन चार, इसे आपने न सिर्फ स्वर अलंकार चार सीखे हैं बल्कि लयकारी सीखी है। लयकारी कितनी बड़ी चीज है, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर हम कुछ गा रहे हैं तो उसमें अलग अलग लयों का प्रयोग करते हैं। जैसे अब इसमें डबल की रिदम आई, ये डबल की स्पीड हुई। तो डबल, सिंगल, ट्रिपल, क्वाड्रपल, मतलब एक दो तीन चार, ये स्पीड आपको आनी चाहिए। इसके अलावा छह की रिदम भी थी, जिसमें हमने ऐसे किया था कुछ, ये रिदम चल रही है, वन टू सा 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 सा
इसको आलाप में भी करेंगे। इसके बाद हम आठ का रिदम लेंगे, यानी आठ गुनी रिदम में हम गाएंगे। इस तरह आठ गुनी लय में हम प्रैक्टिस करेंगे। अगर ये फास्ट लग रहा है आपको, आपसे नहीं हो पा रहा, तो आप स्लो रिदम में शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि नंबर एक रिदम जितना स्लो रखेंगे आठ गुनी तक उतना ही स्लो होगा। अगर आपने ऐसे किया सारे तो डबल होगा, सा ट्रिपल होगा, सा रे रे गा 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 मा 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 मा
मैंने लयकारी सिखाई है और उन स्वर अलंकारों को परोसने का काम किया है आप तक पहुंचाने का। एक चीज और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मैंने पिछली कक्षाओं में जो गाया उसे एक बार बजाया भी है जिसकी वजह से वीडियोस काफी लंबी हो जाती हैं। आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए, चाहे आप 2 व्यूज देखें या फिर 10 व्यूज हो या फिर बहुत सारे व्यूज हो, जितने लोग भी हो आप मुझे सजेस्ट करें कि आपको वैसे वीडियो चाहिए जिसमें मैं जो गाकर आपको बताऊं वो आप मेरे बाद भी उन वीडियोस को देखकर ही प्रैक्टिस कर लें, आपको अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जब आप मेरे साथ साथ सुनते हुए देखते हुए और प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा ऑथेंटिक और सही कर पाएंगे। वीडियोस लंबी हो जाएंगी देखना और आपका नेट का खर्चा में भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर आपको ऐसा चाहिए तो प्लीज आप वीडियो में कमेंट में जरूर मेंशन करिए, और नहीं अच्छा लगता चाहते हैं कि नहीं आप जस्ट बता दीजिए, हम अपने आप से कर लेंगे। जिनके कमेंट्स में आंसर्स ज्यादा होंगे मैं उस तरफ वोट जितना आएगा जिस तरफ मैं उसके हिसाब से वीडियो बनाऊंगा। तो चलिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में वोकल के। इस वीडियो में इतना ही, नमस्कार, धन्यवाद।